सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है कि फाइंड द नंबर ऑफ फोर वर्ड, फोर लेटर वर्ड, है ना। आपके पास जो है वो चार लेटर का वर्ड है और विद और विदाउट यूजिंग मीनिंग, यानी कि जो मीनिंग है वो निकले या ना निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज, और ये वर्ड कौन सा है, तो रोज है। और वेन द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, मतलब कि ये जो चार वर्ड है रोज, इन्हीं से आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बनाना है और ऐसे करके बनाना है जैसे कि मीनिंग निकले या ना निकले उसे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो अरेंजमेंट होगा वो कितने तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जो अरेंजमेंट था उसके बारे में जो है वो जिक्र पहले ही हो गया है, यानी कि क्लास नंबर 4 में जो है हम लोगों ने परम्यूटेशन के डेफिनेशन को भी देखा, परम्यूटेशन के फॉर्मूला को समझा, उसके फॉर्मूला को डिराइव भी किया हम लोगों ने, है ना। और कहीं ना कहीं वहां पर जो है वो सिखाया गया था कि अगर डिजिट अगर रिपीट हो रहे हैं तब क्या करते हैं और अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं तब क्या करते हैं। तो यहां पे बोला जा रहा है कि अगर डिजिट रिपीट नहीं हो तो क्या होगा, देखिए, यानी कि हमारे पास जो टोटल प्लेस है वो कितना होगा, चार। हमें जो वर्ड बनाना है वो कहीं ना कहीं चार वर्ड का होगा, ये 1, 2, ये 3 और ये 4, हमारे पास जो है वो चार वर्ड है और इसी चार वर्ड में से हमको क्या करना है, वर्ड को अरेंज करना है। कैसे होगा अरेंज, देखिए हमारे पास जो लेटर दिए हुए हैं वो कितने हैं, चार हैं, एक आर है, एक ओ है, एक एस है और एक ई है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, चार है। अब उसमें से जो फर्स्ट प्लेस है वो फर्स्ट प्लेस पे हम अरेंज जो करेंगे हम, तो कितने ऑप्शंस मेरा अराइव होता है कि फर्स्ट प्लेस पे हम कितने वर्ड को रख सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप फर्स्ट प्लेस पे आर को रख सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे ओ को भी रख सकते हैं, या नहीं तो एस को या नहीं तो ई को, यानी कि कायदे से अगर समझने का प्रयास करें तो पहले प्लेस के लिए जो है वो चार ऑप्शंस यहां पे होंगे, ठीक है। पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, चार ऑप्शंस होंगे। वहीं पर दूसरे प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, तो दूसरे प्लेस के लिए इसके बाद यहां कहा गया है कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो जिस वर्ड को आपने फर्स्ट प्लेस पे पुट किया है उसके अलावे जो तीन वर्ड जो बच गए, तीन लेटर, उसी को यहां पे रखना होगा सेकंड प्लेस पे, यानी कि सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास हो गए कितने ऑप्शंस, थ्री ऑप्शंस। सेकंड प्लेस पे अब रखने के लिए जो है अब कोई भी दो वर्ड तो फिक्स हो चुका है, बाकी बचे कितने, दो वर्ड। तो सेकंड प्लेस के लिए जो ऑप्शंस होंगे वो दो होंगे और फर्स्ट प्लेस के लिए तो मजबूरी है कि एक ही लेटर बचना है, तो वहां पे उसी को डालना होगा, ठीक है। तो टोटल जो परम्यूटेशन होंगे वो कितने होंगे, तो 4 × 3 × 2 × 1, ये कितने हो गए। तो कहने का ये सेंस हुआ कि ये एक रफली हम पहले समझ लिए कि कहीं ना कहीं जो अरेंजमेंट करते हैं उसमें क्या होगी, ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये कहता कि अगर रिपीटेशन अलाउड है तब फिर फर्स्ट प्लेस के लिए चार ऑप्शन होता, वहीं पर सेकंड प्लेस के लिए जिस वर्ड लेटर को हम यहां रखे हैं तो उस लेटर को भी हम यहां रख सकते थे, क्योंकि जब रिपीटेशन अलाउड है तो जिस लेटर को हम यहां पुट करते हैं उस लेटर को हम लोग यहां पुट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी चार ऑप्शन, सिमिलरली इसके लिए भी चार ऑप्शन और इसके लिए भी चार ऑप्शन बनता है ना। लेकिन यहां जो कहा गया है एग्जाम्पल 1 में आपका, उसमें यह कहा गया है कि जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है, मतलब कि विदाउट रिपीटेशन, तो रिपीटेशन नहीं करना है, तो उसके लिए जो ऑप्शन होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा ऑप्शन। लेकिन हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, तो 4 दिए हुए हैं, कौन कौन सा है, आर है, ओ है, एस है और ई है, यही चार लेटर है, हाँ ना, जो लेटर जो दिए गए हैं हमें ये चार लेटर है, आर है, ओ है, एस है और ई है। अब इसको अरेंज करने के लिए प्लेस कितने हैं, तो मैं इसके अरेंज करने के लिए मेरा प्लेस भी चार ही है, इसको अरेंज करने के लिए मेरे पास प्लेस भी कितने हैं, चार ही है। अब इसको अरेंज करना है, देखिए अगर पहले प्लेस का अगर ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो पहले प्लेस के लिए ऑप्शन कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस के लिए तो कोई है ही नहीं, रिपीटेशन हो या ना हो फर्स्ट प्लेस के लिए तो हमेशा जितने वर्ड लेटर होंगे वो यहां पे आएंगे ही आएंगे, हाँ है ना। तो यानी कि नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर फर्स्ट प्लेस, पहले प्लेस के जो ऑप्शन होंगे वो कितने होंगे, चार होंगे, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद ये है कि रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। अब अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो जो सेकेंड यानी कि जो थर्ड प्लेस होगा उसके लिए जो ऑप्शंस होंगे वो कम होगा, क्योंकि किसी ने किसी इसी चार लेटर में से एक वर्ड को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर दिए, समझ के मान के चलिए कि यहाँ पे हम मैंने ई फिक्स कर दिया, ठीक है। तो जब यहाँ पे मैंने ई को फिक्स कर दिया है तो बाकी जो यहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे तो वो ई को तो छोड़ के होंगे, तो कितने लेटर बच गए, तीन लेटर बच गए। यानी कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अब देखिए कि नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू थ्री। अब एक तो लेटर मेरा पुट हो चुका है तो लेटर बचे कितने, थ्री लेटर्स बच गए। और नंबर ऑफ प्लेस कितने बच गए, नंबर ऑफ प्लेस भी थ्री बचे हैं। एक को अगर ढक दिया जाए तो तीन ही प्लेस बचे हैं और तीन ही लेटर भी बचे हुए हैं। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑप्शन फॉर सेकेंड प्लेस, इसके लिए ऑप्शंस कितने होंगे, तो इसके लिए ऑप्शन जो होंगे वो तीन हो सकते हैं, इन तीनों वर्ड में से जो है वो तीन हो सकते हैं, इसके लिए तीन हो गए, है ना। सिमिलरली कि नंबर ऑफ ऑप्शन फॉर थर्ड प्लेस, तीसरे प्लेस के लिए ऑप्शन कितने होंगे, तो दो ही ऑप्शन होंगे, क्योंकि जब तीसरे प्लेस की बात करेंगे तो यहां पे तो फिर लेटर भी घटने वाला है, तो दो होंगे। और नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर फोर्थ प्लेस, और फोर्थ प्लेस के लिए ऑप्शन कितने होंगे, वन होंगे, ठीक है। अब यहां पे निकाल लीजिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू पहले प्लेस के लिए चार ऑप्शन, इंटू दूसरे प्लेस के लिए तीन ऑप्शन, इंटू थर्ड प्लेस के लिए दो ऑप्शन, और फोर्थ प्लेस के लिए वन ऑप्शन, इज इक्वल टू कितना हो गया, 24। तो यहाँ पे 24 भी रहा, 24 वेज, ठीक है। तो 24 तरीके हो सकते हैं कि इसे चार लेटर को हम जो अरेंज करते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तब 24 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको।